तो हाई कोर्ट ने 22 निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की छूट दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले से बिना पढ़ाई के स्कूलों को फीस देनी होगी। हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान स्कूलों के फीस वसूली पर रोक के सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। बता दें कि बिलासपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस लेने की छूट की मांग की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की छूट दी है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से फीस के लिए दबाव डालने से मना किया है। लेकिन जितने भी निजी स्कूल हैं प्रदेश में, वो बच्चों से, स्टूडेंट से स्कूल फीस चार्ज नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आप सारे जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको आप सैलरी भी प्रॉपर देंगे। नरसिंहपुर जिले से कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में प्रदेश में दूसरा स्थान तेंदुखेड़ा तहसील के ढिकसरा की रहने वाली छात्रा मधुलता सिलावट को मिला है। मधुलता ने 500 अंकों में से 479 अंक हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया है। उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर की छात्रा मधुलता का मंत्र है आत्मविश्वास ही सफलता की सीढ़ी है। 800 छात्रों को इसके लिए प्राचार्य डॉक्टर बी.एस. शर्मा ने बधाई दी है। आलोक क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर औरनिया डैम में शाम को प्रकृति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ डैम के अंदर एक बवंडर उठा और उसने मोटे पाइप की शक्ल ले ली। इससे डैम का पानी बादलों की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। यह क्रम करीब 20 मिनट तक यूं ही चलता रहा। इसके बाद यही बादल आसपास के क्षेत्र में 10 मिनट तक जोरदार बारिश करते रहे। प्रकृति के इस चमत्कारी दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान रह गए।